यमुनानगर के सीआईए स्टाफ ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने 14 साल पहले एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और तब से लेकर अब तक फरार चल रहा था। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था, बावजूद इसके ये आरोपी आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। दरअसल यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में आज से 14 साल पहले एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक युवक एक फैक्ट्री में मैकेनिक का काम करता था और उसके हेल्पर ने ही उसकी हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम दे फरार हो गया था। लेकिन अब इस मामले में 14 साल बीत जाने के बाद आखिरकार सीआईए स्टाफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये BSK नाम की फैक्ट्री थी बिलासपुर में, जहाँ पे सीमेंट के पाइप बनते थे, तो वहाँ पे ये लेबर का काम करता था। तो जो एक मैकेनिक था वहाँ पे फैक्ट्री में और एक ठेकेदार था अरविंद नाम का और यादराम नाम का जो मैकेनिक था, उनके साथ इसकी बहस हो गई थी शाम को और इसने उसको वहाँ पे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। और सुबह 4 बजे उठ के इसने फिर उन दोनों को सोते हुए को इसने हमला किया था और ये मर्डर करके उसमें से दोनों घायल हो गए थे और PGI में एडमिट होने के बाद उनमें से एक की यादराम की मौत हो गई थी, जो सहारनपुर का रहने वाला था। तो ये तब से वहाँ से फरार था। देखिए, अभी से पूछताछ जारी है। तो बाई नेम इसके नाम का जो है ना पर्चा दर्ज था, बाई नेम उसमें FIR में बाई नेम है और मृतक के भाई की तरफ से पर्चा दर्ज है। इसमें 5,000 रुपये का इनाम देखिए इसके ऊपर घोषित हुआ था और 14 साल से ये फरार था। तो अब काफ़ी मेहनत करके अभी पखवाड़ा भी चल रहा है हमारा PO का, उसमें टीम ने हमारी काफ़ी मेहनत करी है और उसके ऊपर काफ़ी इनपुट सामने इसमें इकट्ठी करके तब इस मर्डर, ये जो हम फटियाँ लगाते हैं जलाने के लिए इसमें आग में, तो उसकी फटियों से इसने फट्टी से इसने हमला किया था उन पे सोते हुए पे और उससे इसने मारा। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा था, बावजूद इसके यह आज तक खुला घूम रहा था और हर बार पुलिस से बच जाता था। लेकिन अब जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में आरोपी अब क्या कुछ खुलासे करता है। पंजाब केसरी TV के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।